क्वेश्चन इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स। और इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये वाले कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू ये होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन थ्री एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फोर डी एक्स। और इसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स प्लस इसमें टू कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे इसको, और इसमें थ्री कॉन्स्टेंट है तो थ्री बाहर होगा, और इसमें फोर कॉन्स्टेंट है तो फोर बाहर होगा। और अब हम इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स टू द पावर एन वाले, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सो इक्वल टू एक्स टू द पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स टू द पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस थ्री। और इसमें इसकी पावर वन है तो ये एक्स टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस फोर इंटू और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस सी। सो इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस टू एक्स टू द पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस थ्री एक्स टू द पावर टू अपॉन टू प्लस फोर एक्स प्लस सी। सो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।